इस कहानी की शुरुआत में हमें नॉर्थन टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को दिखाते हैं, जहां एक जली भैंस नदी के पास ही होती है और तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और उसे पानी में ही खींच लेता है। दरअसल यहां पर काफ़ी सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिससे लोग यहां बहुत ही कमाते थे। खैर, इसके बाद ही हम एक रिपोर्टर पैट को देखते हैं, जो कि इन्हीं मगरमच्छों के बारे में जानना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ जाने का फैसला करता है। यहाँ के लोगों का मानना था कि उस मगरमच्छ ने अब तक काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है। अब पैट नदी के पास जाता है और एक ट्रैवलिंग बोट में बैठ जाता है और उसके साथ ही वहाँ काफ़ी सारे लोग भी होते हैं जो यहाँ ट्रैवलिंग करने के लिए आए होते हैं और वो उस मगरमच्छ की फ़ोटो क्लिक करना चाहते थे। उस बोट के ओनर का नाम केट होता है और वो उन लोगों से कहती है कि हम सही वक्त पर निकल रहे हैं और शाम होते ही हम वापस भी आ जाएंगे। कुछ देर बाद ये लोग नदी की ओर जाने लगते हैं ताकि वो मगरमच्छ उन्हें दिखाई दे। अभी केट को वहाँ कुछ क्रोकोडाइल्स दिखाई देते हैं तो उन लोगों को उसके बारे में बताती है। केट उन लोगों से कहती है कि यहाँ काफ़ी सारे खारे पानी वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से भी बड़ा एक क्रोकोडाइल यहाँ है जो कि काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक है। अब केट की ये बात सुनते ही बोट में बैठे सभी लोग डरने लगते हैं तो केट उनसे कहती है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बोट के अंदर बैठे हैं, जिससे वो हम पे अटैक नहीं कर सकते। खैर, अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कि तभी एक दूसरे बोट से दो लड़के वहाँ आते हैं, जिनका नाम नील और सिमन होता है, जो कि केट के ही फ्रेंड्स होते हैं। वो दोनों नाव में ही बैठे लोगों को परेशान करने लगते हैं तो केट उनको वहाँ से भगा देती है। अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी एक जगह से उन्हें धुआं आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि किसी बोट का एक्सीडेंट हो गया हो। ये देख कर केट और सभी लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं और धीरे धीरे वो नदी का एरिया भी ख़त्म हो रहा था। वो लोग उस मगरमच्छ के एरिया में पहुंच रहे थे और यही वह जगह होती है जहां वो बड़ा मगरमच्छ रहता था। तभी इन्हें नदी के पास ही एक बोट दिखाई देती है जो कि नदी में ही पलटी हुई थी। दरअसल इस बोट पर किसी जानवर ने अटैक किया था, जिसकी वजह से अंदर बैठे सभी लोग मारे गए थे। यह देखकर केट समझ जाती है कि ये उसी मगरमच्छ का ही काम है। अब केट अपनी बोट को वहाँ से मोड़ने लगती है क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा था, लेकिन तभी कोई बड़ी सी चीज़ आकर उनके बोट को ही टक्कर मार देती है, जिससे इस बोट में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। इस टक्कर की वजह से बोट में क्रैक हो गया था, जिससे अब बोट में पानी आने लगता है। ये देखते ही केट बोट को नदी के किनारे ले आती है, फिर सभी लोग उस बोट से नीचे उतर जाते हैं। अब केट जल्दी से हेल्प के लिए रेडियो को ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि रेडियो तो खराब हो चुका है। अब ये लोग यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके थे और यहाँ से बच कर निकलना भी काफी मुश्किल हो गया था। तभी उन्हें एक ट्रैवलर की आवाज आती है जो कि नदी के पास ही खड़ा हुआ था। फिर जैसे ही ये लोग नदी की तरफ देखते हैं कि तभी ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें नदी में ही एक काफी बड़ा क्रोकोडाइल दिखता है, जो सभी के सामने ही उस ट्रैवलर को अपना शिकार बना लेता है। और यह देखकर ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये क्रोकोडाइल दोबारा इन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये उन्हीं मगरमच्छ का ही इलाका था और यहाँ के मगरमच्छ बाहर आकर भी लोगों पर अटैक करते थे। और तभी इतने में ही केट के दोनों फ्रेंड्स नील और साइमन भी अपनी बोट लेकर वहाँ आते हैं, जिन्हें देखकर केट उन्हें वहाँ से हटने को कहती है। लेकिन इससे पहले ही वो कुछ करते कि तभी क्रोकोडाइल आकर उन दोनों पर ही अटैक कर देता है, जिससे उनकी बोट पलट जाती है और इस हादसे में साइमन मारा जाता है, पर नील किसी तरह से बचते हुए नदी के ऊपर आ जाता है। अब वहाँ पर काफी रात हो जाती है, जिससे उस कीचड़ वाली जगह का वाटर लेवल भी बढ़ने लगा था। तभी नील केट के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि हमारा इस जगह पर रुकना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो क्रोकोडाइल आकर हम सभी पे अटैक करेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ प्लान बनाकर यहाँ से निकलना ही होगा। फिर नील एक प्लान बनाता है और कहता है कि वो ऊंचे वाले जगह के पेड़ में एक रस्सी बांध देगा और यहाँ से तैरते हुए दूसरी तरफ जाकर वहाँ भी रस्सी बांध देगा, जिससे सभी रस्सी के सहारे उस पार चले जाएंगे। ये प्लान काफी रिस्की था, पर इसके अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अब नील पानी में तैरते हुए नदी की दूसरी तरफ चला जाता है और उस ऊंची जगह वाले पेड़ में रस्सी बांध देता है। इसके बाद ही सभी एक एक करके रस्सी के सहारे ही आगे बढ़ने लगते हैं। नील सभी को अपनी तरफ आते हुए ही देख रहा था और तभी नील को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उधर देखता है कि तभी वो क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उसे भी अपना शिकार बना लेता है। अब उस क्रोकोडाइल ने उस पर इतनी तेजी से अटैक किया था जिससे वो पेड़ से बंधा रस्सी भी नीचे गिर जाता है, जिससे वो तीनों पानी के अंदर ही गिर गए थे। इसके बाद ही वो लोग पानी में तैरते हुए केट के पास पहुंच गए थे। अब सभी नदी से दूर ही खड़े होते हैं, लेकिन एलन अभी भी पानी के पास ही खड़ा था और तभी इतने में ही वो क्रोकोडाइल उसे पानी में ही फेंक देता है। एलन सभी से हेल्प मांगने लगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि पानी के अंदर जाना मतलब क्रोकोडाइल की मौत मरना। अब वो क्रोकोडाइल एलन को उनके सामने ही मार देता है। खैर, अब वहाँ पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके बाद ही पेट सभी से कहता है कि वो क्रोकोडाइल हम सभी को मार डालेगा, इसलिए हमें जल्दी से उसका ध्यान भटकाते हुए यहाँ से जल्दी से
निकलना होगा। अब ये नील के बोट से उन मरी हुई बतखों को ले आते हैं, फिर उन बतखों को उस हुक में फंसाया जाता है और पेट उस हुक को नदी में फेंक देता है। दरअसल पेट का ये प्लान था कि वो उस क्रोकोडाइल को उस हुक में फंसाते ही वहां से दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, इसलिए पेट ने रस्सी एक पेड़ से बांध रखी थी। और तभी इतने में ही वो क्रोकोडाइल वहां आकर उन बतखों को खाने लगता है, और जैसे ही वो उस हुक में फंसता है ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। फिर केट और बाकी लोग उस पार जाने लगते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल काफी ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए वो रस्सी को तोड़कर वहां से चला जाता है। इधर ये लोग उस ऊंची जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन केट अभी भी पानी में ही होती है और पेट उसे ही देख रहा था। तभी पेट केट से कहता है कि वो क्रोकोडाइल तुम्हारे पास ही आ चुका है, और ये सुनकर केट जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करती है। और तभी इतने में ही वो क्रोकोडाइल आकर उस पे भी अटैक कर देता है और उसके सामने ही उसे पानी में ही खींच लेता है। इधर पेट को केट का डॉग नजर आता है तो वो उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है। कुछ देर बाद ही पेट एक खतरनाक जगह पर पहुंच गया था, और तभी पेट को पानी के बीच में ही एक पेड़ दिखाई देता है। फिर जैसे ही वो अपने चारों ओर देखता है तो उसे केट का डॉग नजर नहीं देता, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी केट को एक गुफा के अंदर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, तो पेट उस गुफा के अंदर ही जाने लगता है। और तभी पेट का पैर फिसल जाता है, जिससे वो उस गुफा के अंदर ही गिर जाता है। और तभी उसे नील की बॉडी भी दिखाई देती है और केट का डॉग भी वहीं ही होता है। तभी उसे केट भी दिखाई देती है, जिसके बॉडी में काफी सारे चोट लगे हुए थे और वो काफी समय से वहीं ही बेहोश पड़ी थी। तभी केट का डॉग वहां से भागने लगता है, जिसे देखते ही पेट समझ जाता है कि इस गुफा में वही क्रोकोडाइल रहता है जो सभी लोगों का शिकार करके इसी जगह पर ले आता है। अब पेट केट को उठाकर ऊंची जगह पर रख देता है, और तभी इतने में ही पेट को उस क्रोकोडाइल की आवाजें आती है तो वो एकदम शांत होकर एक जगह पर बैठ गया था। और तभी इतने में ही वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था, और उसने मुंह में केट के डॉग को पकड़ कर रखा था। इसके बाद ही वो केट के डॉग को खा लेता है और वहीं पे ही सो जाता है। फिर जब पेट को लगता है कि वो क्रोकोडाइल सो गया तो वो केट को लेकर उस गुफा से बाहर जाने लगता है कि तभी इतने में ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जैसे ही वो पीछे पलटता है कि तभी वो क्रोकोडाइल आकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन पेट किसी तरह से बचते हुए केट को दूसरी जगह पर ले आता है। अब पेट बड़े बड़े पत्थरों के बीच में था, जिससे वो क्रोकोडाइल उस पर अटैक नहीं कर पाता। तभी पेट पास में ही पड़ी एक न्यूक्ली हड्डी को उठाता है और उस मगरमच्छ के आंख में ही घुसा देता है, जिससे वो पेट की तरफ से पीछे हट जाता है। और तभी मगरमच्छ केट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर पेट एक पत्थर उठाता है और उस क्रोकोडाइल को मारने लगता है, ताकि उसका ध्यान वो अपनी तरफ कर सके। तभी पेट पास में ही पड़ी एक लकड़ी को पत्थर के सहारे पॉइंट कर देता है। अब जैसे ही वो क्रोकोडाइल पेट के ऊपर अटैक करता है कि तभी वो लकड़ी उसके मुंह के आर पार हो जाती है और वो क्रोकोडाइल वहीं मारा जाता है। फिर पेट कैट को लेकर गुफा से बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि सभी लोग भी वहां बाहर मौजूद थे। और थोड़ी देर बाद ही वहां रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है, जो कि कैट को लेकर वहां से ले जाने लगती है, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्रेशन काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।